नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी की वीडियो मैंने बनाई है वो CRPF में आई है 1442 पोस्ट के लिए। ठीक है, ओपनिंग डेट आप देख लीजिए 7/2/2020, क्लोजिंग डेट 6/3/2020 और रिटर्न एग्जाम डेट 14/4/2020 होगी। ठीक है, देखिए, और ये है वैकेंसी डिटेल्स, SC ST OBC और टोटल वैकेंसी, जिससे कि आपको ये ना लगे कि नोटिफिकेशन फेक है। फेक नहीं है, बिल्कुल भी सही नोटिफिकेशन है। क्या है कि ऑफलाइन फॉर्म का CRPF आर्मी की भर्तियों का जो है फेक नज़रिया काफ़ी चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसलिए यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है अब, क्योंकि लोग पैसा कमाने के चक्कर में रोज़ फेक वीडियो बना देते हैं और स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन का चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, रिटर्न एग्जाम की डेट दे दी गई है। ठीक है, कमेंट करके बताइए किस किस बंदे को उसका प्रीवियस पेपर चाहिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा प्रीवियस पेपर का। ठीक है, दूसरी बात, फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा, फॉर्म को कैसे सेंड करना है। ठीक है, ऑफलाइन लिफाफे जो आपके होते हैं, ऑफलाइन एनवेलप और ऑफलाइन लिफाफे और सबसे बड़ा वाला फॉर्म, ठीक है, वो कैसे भरना है उसका एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लेना है। जो मैंने बनाया था उस पर 150 के व्यूवर्स गए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्ट ऑर्डर कैसे भरना है उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 1412 पोस्ट इसमें रखी गई है, जो कि जनरल के लिए 163 होगी, SC ST के लिए 12 होगी, जो कि फीमेल में बताइए, मेल में आपको यहाँ पर 1031, ST के लिए 200, ST के लिए 100 होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पे मैट्रिक्स के लेवल के हिसाब से 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी और 81,100 पर आपकी हो जाएगी डी एंड। ठीक है, आगे चलते हैं इजिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्विस इजिबिलिटी के लिए भी रखा गया है, अपर एज के लिए भी होगा, एजुकेशन के लिए भी होगा, हर किसी के लिए इसमें डिटेल्स रखी गई है। ठीक है, वो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, देखिए पॉज कर लेना वीडियो को, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, इतना टाइम मेरे भी पास नहीं है, मैं आपको फॉर्म भरना बताऊँगा, ताकि कोई जानकारी आपको हो तो कमेंट करके बताएं, फॉर्म बिल्कुल सही से भरवाऊँगा अच्छे से, पूरा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगा, पूरा देखे दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इससे पहले मैंने ऑफलाइन फॉर्म भरने के बहुत वीडियो बनाए हैं, सबको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हो जाए, थैंक यू दोस्तों उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पर पोस्ट करके आप देख लेना इसको, तो ये आपके लिए होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल, सब स्टेप इसमें दिए गए हैं, मैं बार बार वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, पूरी एक वीडियो में फुल डिटेल दिखा दूंगा। मेडिकल कैटेगरी, नंबर चांसेस, फिजिकल स्टैंडर्ड, नोज ऑफ बिहाइंड द हेड ऑफिस, ठीक है, पोस्ट सब्सक्राइब, उसके लिए देखिए अब यहाँ पर टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप लिफाफे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना हो तो मैं बताऊँगा, लेकिन पहले डिटेल आपको बता दूँ, टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप लिफाफे, दो एनवेलप लिफाफे आपको चाहिए होंगे, दोनों एनवेलप लिफाफों पर आपको अपना साफ साफ अपना पोस्ट एड्रेस लिखना होगा। एप्लीकेशन ओनली ड्यूटी एपेक्स पोस्ट स्टाम्प 25 रुपये ईच, दोनों पर आपको 25-25 रुपये के स्टाफ पे स्टाम्प लगाने होंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट पोस्ट सब्सक्राइब अलॉन्ग विद नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट साइज, पासपोर्ट फोटो, ठीक है, अलॉन्ग विद फोर नंबर ऑफ, ठीक है, 1x4 का, ठीक है, पोस्ट पासपोर्ट साइज आपको फोटोज में लगाना होंगे। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मर एडमिट कार्ड रिटर्न भी आपको इसमें भरना होगा, अटैच करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, कैसे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अब यहाँ पर इन केस द इंफॉर्मेशन फाइनेंशियली एप्लीकेशन फाउंड आल्सो लेटर साइड हर सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कैन कॉल सी रिसीव्ड बैंक टू ओरिजिनल, ठीक है, रैंक। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अब आगे जाके। सिलेक्शन पोस्ट तो आप जानते हैं कि इस फर्स्ट स्टेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है OMR शीट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, 60 मार्क्स का आपको मिलेगा और प्रोफेशनल नॉलेज 70 मार्क्स ही होगी, लैंग्वेज प्रोफेशनल स्किल 30 मार्क की, 160 का नंबर का आपका पूरा बनेगा फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेज में क्या होगा, कैंडिडेट के पास जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो होगा सेकेंड स्टेज में। उसके बाद हाइट आपकी 70 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए होगी आपके 165 और फीमेल के लिए 155। ठीक है, जनरल के लिए 170 होती है। उसके बाद चलिए वो आप देख सकते हैं नीचे आकर धीरे धीरे देखिए, चेस्ट भी आपकी, अब आपका सेकंड थर्ड होगा जो फिजिकल इन्फेंट्री टेस्ट होगा PET। ठीक है, ये थर्ड स्टेज होगी आपकी।
उसमें जो का मैन के लिए 100 मीटर रेस होगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, इसको पोज कर लूँगा मैं, आप कर लेना, मैं देख लेना। स्टेज हो गई आपकी, वेट चेस्ट हो गया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं धीरे धीरे नीचे करके जा रहा हूँ। अब आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ टू अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट द अप्लाई ऑफलाइन होगा, ठीक है, ओनली एप्लीकेशन फॉर फॉर्मर क्लोज्ड भी नो जॉब पर, ठीक है। ऑफलाइन तरीके से आपको उसको फिलअप करना वो होगा, सेंड करना होगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा द एप्लीकेशन बाय होप द ऑफिस, ये उसका एड्रेस है, वो लिख लेना। बाद में भी मैं आपको बता दूंगा, जब फॉर्म भरने का तरीका बता दूंगा, उसके बाद भी कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं फेक नहीं बनाता हूँ। देखिए अब मैं नीचे चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के पास, एप्लीकेशन फॉर्म ये देखिए आ गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट कॉर्नर में जो फोटो का निशान है वहाँ को आपको फोटो लगाना पड़ेगा, रंगीन पासपोर्ट साइज कलरफुल फोटो आपका होना चाहिए, लगा लेंगे। उसके बाद फोर्स नंबर, रैंक, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंस्टमेंट, यूनिट ऑफ, ये सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये सब कर लेने के बाद आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, यूनिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, कैटेगरी 8 नंबर में, 9 नंबर में आपके गार्डिंग लाइन होगी, ठीक है, 10 नंबर में आपकी वेदर होगी, 11 नंबर में डिटेल्स ऑफ पनिशमेंट होगी या फिर रिवार्ड्स ऑफ एनी, ठीक है, कहीं पनिशमेंट मिला हो या फिर कहीं पर कोई रिवार्ड्स मिला हो वो आपको भरना पड़ेगा। 12 नंबर वेदर ऑफ द क्रिमिनल केस होगा, उसके बाद परमानेंट एड्रेस होगा, 14 नंबर पर कनेक्ट फ़ोन नंबर होगा आपको डालना पड़ेगा, और फिर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब कर लेने के बाद सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हेड ऑफिस सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफिस, डेट आपका, प्लेस आपकी, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर, अभी हिंदी में थोड़ा सा आपको कुछ आया, लिखित प्रवेश परीक्षा, ठीक है, CRPF का लिखित प्रवेश परीक्षा, रोल नंबर, कैटेगरी, और ये जो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा ये तो रिपोर्ट वाले करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप यहाँ पर अपना खुद चिपकाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर आपके होंगे, बाकी हिंदी में लिखा है आप पढ़ लेना, आपके काम की डिटेल्स, ठीक है, ये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अभ्यर्थी कोई कुछ नहीं है, कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। उसके बाद स्पष्ट अक्षरों में आपका पता होना चाहिए ब्लॉक लेटर में, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी फिलअप आपको करना पड़ेगा, इसे फिलअप कर लेने के बाद, ठीक है, ये हिंदी में सब कुछ लिखा है आपको पढ़ लेना है। अब फिर नीचे आएंगे, इस वाले को भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, सब पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना पड़ेगा। फ़ोटो लगा लेने के बाद यहाँ पर ये देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी आप फ़ोटो लगाएंगे, रिपोर्टिंग टाइम, कैटेगरी DMF के लिए, ठीक है, हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा अब आपको, अब फॉर्म भर लेने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लेने के बाद, आपको एक सबसे बड़ा लिफाफा लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा आपको इसको कहाँ सेंड करना है। एक तरफ तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, दूसरी तरफ जहाँ सेंड करना है वो एड्रेस लिखोगे, उसके अंदर 2 लिफाफे डालोगे, दोनों लिफाफों के अंदर आपको 25-25 रुपये के स्टाप लगाने पड़ेंगे, इन स्टाप, ठीक है, 25-25 रुपये के लगाने पड़ेंगे, उन पर भी एड्रेस लिखने पड़ेंगे, वो सबसे बड़े लिफाफे में आप डाल लोगे। उसको डालने के बाद आपके घर में कोई फीस है, नोटिफिकेशन ध्यान से आराम से पढ़ना है डाउनलोड करके, अगर कोई फीस है तो बैंक डिटेल्स के तरीके से आपको जो चाहिए उसे बनवाना होगा, ठीक है, मुझे उसमें दिखाई दे, लेकिन आपको पहले तो पढ़ना होगा, बिल्कुल कंसंट्रेट मत करना, आप खुद भी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको मिलेगा, 2 मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।